हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैकिंग बनाना सिखाएंगे। हमने यहाँ पे हमारी ड्रेसेस से बचे हुए ये छोटे छोटे से कपड़े लिए हैं। ये देखिएगा, सब अलग अलग फैब्रिक हैं, कुछ प्रिंटेड हैं, कुछ प्लेन हैं। ये देखें, ये हम इनसे पैकिंग बनाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हम हमारे फैब्रिक्स को खोलेंगे। ये भी हमारे ड्रेस में से बचा हुआ कपड़ा है। ये तो हम इसको इंची टेप से नाप कर कट कर लेंगे। ये भी ओल्ड फैब्रिक है। करेंगे ट्राइंगल शेप में। हम इसको ट्राइंगल शेप में बना रहे हैं, तो हम इसके ट्राइंगल थोड़े बड़े साइज के कट करेंगे इस टाइप से। कोना जमा कर इस पर हम साइड में से निशान लगाएंगे की हेल्प से, और इसको कट करेंगे। देखेगा फ्रेंड्स, हमने इस पे सीधा निशान लगा लिया है और हम इसको कैंची की हेल्प से कट करेंगे। इसी टाइप से हम हमारे और भी ट्राइंगल कट कर लेंगे। देखेगा फ्रेंड्स, ये हमारा ट्राइंगल कट कर रेडी है, तो हम इसके साइड में से धागे निकाल लेंगे इस टाइप से। फ्रेंड्स, हमारे ट्राइंगल कट कर रेडी हो गए हैं। ये फोर ये वाले प्रिंटेड हैं, और ये फोर मैचिंग कलर के वाले प्लेन हैं। ये मेहंदिया टाइप का कलर है, तो हम इनको जमाएंगे। सबसे पहले हमारे को वन ट्राइंगल ये वाला लेना होगा, ये मेहंदिया वाला, और वन ये वाला प्रिंटेड। हम इनको जमा कर इस टाइप से इसको उल्टा कर कर सीधे टू मशीन लगाएंगे, स्टिचिंग करेंगे, स्टेप टू स्टिचिंग। ये देखेगा फ्रेंड्स, हमने इसको बराबर करा था, अब हम इसको सिलाई मशीन से स्टिच करेंगे। फर्स्ट हमारे को इस एंगल पर इस टाइप से जमा लेना है। ये देखेगा फ्रेंड्स, ये हमारे हमारे सर्कल हमारे ट्राइंगल्स को सिया है, तो फर्स्ट हमने इसको अंदर से सिलाई लगाई थी, उसके बाद हमने इसके ऊपर ऊपर से लगाई। और एक सर्कल है जिसमें हमने पेपर के ऊपर पहले वन स्टिचिंग कर ली, उसके बाद हमने इसके ऊपर रख कर वन स्टिचिंग कर ली। तो ये हमारा हमने इसको सर्कल शेप में स्टिच किया है, और हम इसके राउंड में इसका बेस बनाएंगे। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने 5 इस टाइप से रख कर कट करी थी, उसके बाद ये आधा इंच स्ट्रेचिंग में भी गया। और जिस टाइप से हमने हमारे ट्राइंगल पर स्ट्रेचिंग करी थी, उसी टाइप से हमने इसके ऊपर भी स्ट्रेचिंग की है सीधी। यहाँ पर वन ज्वाइंट भी है, क्योंकि हम और फैब्रिक हमारे ड्रेस से बचे हुए कपड़े से बना रहे हैं। और ये हमने फैब्रिक लिया है और ये कम है, इसलिए हम इस फैब्रिक को इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो मैं आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, हम इसको आपस में ज्वाइंट करेंगे इसी टाइप से। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ पर से ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए, इसमें टू स्ट्रेचिंग लगाई है अंदर से, और ये हमारा सर्कल शेप में हमने इसको राउंड ज्वाइंट करा है। हम इसका बैक साइड लगाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने बैक का आउल शेप में कट करा है, और हम इसमें स्टेप से रनर स्टिच करेंगे, जिप। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको सेंटर में से कट करेंगे, इसलिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और साइड में से कट कर लेंगे।
ये देखेगा फ्रेंड्स, हम इसमें इस टाइप से जिप अटैच करेंगे और इसी तरीके से हम इस तरफ भी इसको पलट कर यूं कर कर जिप अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, हम इस टाइप से सेकेंड साइड भी स्टिचिंग करेंगे इस टाइप से। टाइप से स्टिच कर लिया है, उसके बाद हम इसमें इसको ज्वाइन करेंगे इस टाइप से जमा कर राउंड स्टिचिंग कर लेंगे हम पूरे में यूं। यह हमारा पैकिंग बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर से हमने इसमें राउंड सिलाई लगाई है और इसी टाइप से ये फ्रंट की भी लगाई है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, हम इसके अंदर कपड़े रखेंगे जब ये थोड़ा सा कड़क हो जाएगा और ये सॉफ्ट भी रहेगा, ये खड़ा हो जाएगा। इस टाइप से हम हमारे सारे कपड़े रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कपड़े कितने अच्छे से रखा गए, ये रनर होने की वजह से बहुत सेफ और अच्छे से रखे रहेंगे। ये इसमें रनर होने की वजह से ये बहुत सेफ और अच्छे से रखे हुए रहेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कितने सारे कपड़े रखा गए हैं और ये बहुत जल्दी सिल भी जाता है और ये लगता भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा पैकिंग बनकर रेडी और ये बहुत जल्दी भी सिल जाता है और ये लगता भी बहुत अच्छी है, अच्छा है और ये गोल है और इसमें हमारे बहुत सारे कपड़े रखा गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।